आप में से किसी भी स्टूडेंट ने कोई भी मेरा लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर मिस कर दिया है, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके सभी वीडियो के लिंक मैंने वहां पे एम्बेड कर दिए हैं, सो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में सारा कोर्स सीरीज देख सकते हैं। बिकॉज आज जो है, आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट करवाने वाले हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 FSSAI Act 2006 का हमने यहाँ पे कवर कर लिया है कम्प्लीटली। जो चैप्टर 3 है, डेट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, सो आई वुड रिकमेंड यू, आई वुड सजेस्ट यू टू जस्ट हैव अ ग्लांस थ्रू इट, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो लीव इट। आपको वो पढ़ने की या फिर यू नीड नॉट टू गो थ्रू इट कोई जरूरत नहीं है, डेट इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, राइट। सो यहाँ पे चैप्टर 4 आज हम फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी का करने वाले हैं। इस एक्ट में, चैप्टर 4 में क्या क्या फर्दर डेफिनेशंस दी गई हैं। सो आज बेसिकली हम 4 सेक्शंस कवर करने वाले हैं, सेक्शन 19, 20, 21 एंड 22। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दीज आर ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस, बिकॉज इसमें बेसिक जो है डेफिनेशंस दी गई है यहाँ पे, राइट। सो देख लेते हैं सबसे पहले सेक्शन 19, यूज ऑफ फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड्स। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, फूड एडिटिव्स कितना यूज करना चाहिए या फिर प्रोसेसिंग एड कितनी यूज करनी चाहिए या फिर ना नहीं यूज करनी चाहिए, सो ये सारी डिटेल यहाँ पे इस सेक्शन में 19 में बताई गई है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, नो आर्टिकल ऑफ फूड शेल कंटेन एनी फूड एडिटिव्स और प्रोसेसिंग एड अनलेस इट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर। सो यहां पे क्लियरली बताया गया है कि नो आर्टिकल ऑफ फूड शेल कंटेन एनी फूड एडिटिव, मीन्स किसी भी आर्टिकल में कोई भी फूड एडिटिव, कोई भी प्रोसेसिंग एड जो फूड बिजनेस ऑपरेटर है वो तब तक नहीं डाल सकते unless it is in accordance with the provisions of this act and regulations made thereunder, means वही food additives and processing aids food बनाने में use की जा सकती है जो इस act में, FSSAI act में जो कि बताई गई है via FSSAI authority और जो बाद में regulations बनाई जाती हैं via FSSAI authority, so वही food additives and processing aid खाना बनाने में फूड कंपनीज यूज कर सकती हैं। सो यहाँ पे क्लियर डेफिनेशन भी दी गई है, प्रोसेसिंग एड क्या है, एनी सब्सटेंस और मटेरियल नॉट कंज्यूम एज अ फूड इंग्रेडिएंट बाय इटसेल्फ। सो देखिए, जो प्रोसेसिंग एड्स है बेसिकली इनको फूड का टेक्सचर, अपीयरेंस और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए एड किया जाता है फूड में, हालांकि इनको हम नॉर्मली एज अ फूड इंग्रेडिएंट नहीं कंज्यूम करते, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट प्रोसेसिंग एड्स का, इट्स वेरी क्लियर डेट एनी सब्सटेंस और मटेरियल नॉट कंज्यूम्ड एज अ फूड इंग्रेडिएंट बाय इटसेल्फ, वो खुद हम एज अ इंग्रेडिएंट हम नहीं कंज्यूम करते उसको। सेकंड पॉइंट, बट यूज्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स फूड और इट्स इंग्रेडिएंट्स टू फुलफिल अ सर्टेन टेक्नोलॉजिकल पर्पस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट और प्रोसेसिंग। एज आई टोल्ड यू कि इन फूड एडिटिव्स को या फिर प्रोसेसिंग एड्स को फूड बनाने के लिए, राइट, रॉ मटेरियल को एक अच्छी अपीयरेंस देने के लिए, एक अच्छा टेस्ट देने के लिए, एक अच्छी क्वालिटी देने के लिए ये प्रोसेसिंग एड या फूड एडिटिव को फूड में ऐड किया जाता है। आई होप इट्स क्लियर। ओके ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। सेक्शन 19 वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, सो सेक्शन 20 की तरफ चलते हैं। सो इट इज contaminants, naturally occurring toxic substances, heavy metals, etc. So, contaminants की जो quantity है वो कितनी होनी चाहिए, natural occurring toxic substances की जो की quantity है वो कितनी होनी चाहिए, heavy metals कितनी होनी चाहिए, इस सभी के बारे में यहाँ पे हम section 20 में read करेंगे। So, यहाँ पे clearly FSSAI ने section 20 में कहा है, no article of food shall contain contaminant, naturally occurring toxic substances or toxins or hormones or heavy metals in excess of such quantities as may be specified by regulations. So, अगर आप लोग, if you keep reading the news which FSSAI release, so उसमें आप सबने read किया होगा कि time to time FSSAI regulations देता रहता है, right? कि food में कितना contaminant की quantity होनी चाहिए for it not to render it article of food unsafe, right? So, ऐसे ही regulations pass करके यहाँ पे contaminants की quantity every year और as and when required food authority यहाँ पे set करती रहती है, not only contaminants, also of naturally occurring toxic substances, for example
एनवायरनमेंट से कोई भी टॉक्सिन फूड में आ सकता है, सो उसकी भी यहाँ पे क्वांटिटी सेट की जाती है, या फिर हॉर्मोन्स जो यूज़ किए जाते हैं फूड में, या फिर हैवी मेटल्स जो वाटर से हमारी क्रॉप्स में आ जाते हैं, सो उनकी यहाँ पे क्वांटिटी स्पेसिफाई की है फूड अथॉरिटी ने. ओके, एंड इट डज इट बाय पासिंग वेरियस रेगुलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम. आई होप इट्स क्लियर. यस, ओके, सो चलते हैं सेक्शन 21 की तरफ. सो सेक्शन 20 वाज रियली वेरी इजी. एफएसएसए ने क्लियरली कहा है कुछ नहीं होना चाहिए, नो कंटेमिनेंट्स और एनी अदर पार्टिकल शुड प्रेजेंट इन द फूड. और सेक्शन 21 इज पेस्टिसाइड्स, वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज एंड माइक्रोबियल काउंट. सो इसके बारे में क्या कहना है? सो नो आर्टिकल ऑफ फूड शैल कंटेन इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड रेसिड्यूज, वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज, एंटीबायोटिक रेसिड्यूज, सॉल्वेंट रेसिड्यूज, फार्माकोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल काउंट इन एक्सेस ऑफ सच टॉलरेंस लिमिट एज स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन. सो यहाँ पे जो टर्म आपको ध्यान में रखनी है, सो अगर आप देखोगे फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पे मेंशन है टॉलरेंस लिमिट, मीन्स इस टॉलरेंस लिमिट से ज्यादा ये जो एंटीबायोटिक्स हैं या फिर वेटनरी ड्रग रेसिड्यूज यूज किए जाते हैं, पेस्टिसाइड रेसिड्यू आपके खाने में नहीं होने चाहिए. सो यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट इज द की टर्म. ओके, सो अगर आप प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको लेके चलूँ, सो इस स्लाइड में अगर आप देखोगे क्वांटिटीज, यहाँ पे क्वांटिटीज इज द की टर्म. सेकंड लास्ट लाइन में अगर आप देखोगे सच क्वांटिटीज एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन. सो यहाँ पे क्वांटिटीज इज द की टर्म, मीन्स इस क्वांटिटी से ज्यादा कोई भी कंटेमिनेंट्स या फिर टॉक्सिन सब्सटेंस फूड में नहीं होना चाहिए. सो यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट में की टर्म देखोगे अगर आप लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में टॉलरेंस लिमिट, मीन्स इसकी एक टॉलरेंस लिमिट होगी, अगर उस टॉलरेंस लिमिट से वो ज्यादा होगा लाइक कोई भी इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, सो इट कुड बी एलर्जिक और इट कुड कॉज एनी हार्मफुल इफेक्ट टू द कंज्यूमर. सो इसीलिए यहाँ पे टॉलरेंस लिमिट इज द कीवर्ड और प्रीवियस सेक्शन में क्वांटिटी इज द कीवर्ड, राइट? सो सेकंड पॉइंट, नो इंसेक्टिसाइड शैल बी यूज्ड डायरेक्टली ऑन द आर्टिकल ऑफ फूड एक्सेप्ट फ्यूमिंग एंड रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर द इंसेक्टिसाइड्स एक्ट 1968. सो यहाँ पे क्लियरली एफएसएसए ने कहा है कोई भी इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर सकता कोई भी आर्टिकल ऑफ फूड पे एक्सेप्ट फ्यूमिंग एंड रजिस्टर्ड एंड अप्रूव्ड अंडर इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968. सो आई होप इट्स क्लियर. एंड अगर कोई यूज करता भी है कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड जो कि अप्रूव्ड नहीं है इंसेक्टिसाइड एक्ट में, सो दे आर लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दिस एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड देयर अंडर. आई होप इट्स क्लियर गाइस. सो कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वीडियो के नीचे आप कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. सो सेक्शन 22 लास्ट सेक्शन हम बात करने वाले हैं. सो मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ फर्दर इसकी कंटिन्यूशन रहेगी, सो वी विल बी कवरिंग दोज टॉपिक्स टुमारो. सो अभी सेक्शन 22 देख लेते हैं. इसमें कवर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, ऑर्गेनिक फूड, फंक्शनल फूड एंड प्रोप्राइटरी फूड एक्सेट्रा. सो नो पर्सन शेल मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल और इम्पोर्ट. सो ये चार टर्म्स इंपॉर्टेंट है, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट, सेल और इम्पोर्ट एनी नोवल फूड, जेनेटिकली मॉडिफाइड आर्टिकल ऑफ फूड, इररेडिएटेड फूड, ऑर्गेनिक फूड, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज, फंक्शनल फूड, न्यूट्रासूटिकल, हेल्थ सप्लीमेंट, प्रोप्राइटरी फूड एंड सच अदर आर्टिकल ऑफ फूड विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई इन दिस बिहाफ. सो सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो फूड आर्टिकल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट इनके लिए कभी भी जो कि प्रोहिबिशन लगा सकता है कि इन आर्टिकल्स को ना तो मैन्युफैक्चर किया जा सकता है ना डिस्ट्रीब्यूट, सेल और इम्पोर्ट, राइट? Until and unless central government approve करता है कि yes you can import or you can manufacture or you can sell all of these articles, then a manufacturer person can import or sell or distribute. Otherwise, अगर जब तक central government notify नहीं करता, so no person shall. So first line में अगर आप देखोगे तो no person shall, no one has the permission to manufacture, distribute or sell. So आपको ये definition याद करनी पड़ेगी जो कि है novel food, genetically modified food, article of food, then irradiated food, organic food, food for special dietary use, functional food, nutraceutical, health supplement, proprietary food and such other article of food. So guys, you need not to worry because कल के लेक्चर में मैं आपको ये पूरा करवाने वाला हूँ. जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स की डेफिनेशन FSSA ने क्या दी है, इररेडिएटेड फूड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक फूड्स क्या होते हैं, फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज क्या है, न्यूट्रासूटिकल क्या है, हेल्थ सप्लीमेंट क्या है, प्रोप्राइटरी फूड क्या है. सो